नमस्कार दोस्तों, तो आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए न्यू टिप्स। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो देखिए, सबसे पहला वीडियो वो टिप्स हमारी है। ये देखिए, हमने नैपकिन ले लिए हैं, तो ये दो हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड कर लेंगे जैसे हम पंखा बनाते थे। तो इसी तरह से इसे हमें पूरा फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी पतला सा तार या रबर जो भी हो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर रबर है तो रबर लगा दें, नहीं तो तार इस तरह से लगा दें। ये देखिए इस तरह से हमें लगा देना है। उसके बाद इसे इस तरह से हमें ये देखिए फैला लेना है। ये देखिए, पहले इसे हमें काट लेना है इस तरह से, यहाँ पे किनारे पे इस तरह से दोनों तरफ से हमें काटना है इसको। तो ये देखिए इस तरह से हमने काट लिया है किनारे पे। उसके बाद हम इसे खोल देंगे इस तरह से, दोनों तरफ से हम इसे खोल देंगे। पूरा इसे इस तरह से हम एक फैला लेंगे इसको। और उसके बाद हम इसमें ये जो अलग अलग नैपकिन को कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से निकालेंगे। तो एक में दो होते हैं, तो ये चार हो गए हैं। तो चार पेपर हुए जाके उसके बाद हमने फोल्ड किया इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बन गया। और इसे हम इसी तरह से खोल लेंगे। ये देखिए इस तरह से खोलते जाएंगे। काटने में ये थोड़ा चिपक जाता है पेपर, तो इस तरह से ये देखिए हमने खोल लिया है। तो बहुत ही सुंदर हमारा एक फूल बनके तैयार हो गया है। तो इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कोई भी जो प्लांट आते हैं बड़े बड़े पत्ते वाले, उनमें आप इन्हें लगा सकते हैं। नहीं तो कहीं और भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो ये देखिए तार को हम इस तरह से फंसा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से फंसा के उसके बाद आप कहीं भी इसे दीवार पे भी लगा सकते हैं। तो बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए भरा भरा आप इसमें कलर भी कर सकते हैं किनारे पे। तो ये देखिए इस तरह बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप दीवार पे भी लगा सकते हैं अगर कहीं नहीं लगाना है। अगला टिप्स हमारा है इस तरह से। ये देखिए हमने ढक्कन ले ली है एक, उसके बाद फॉइल पेपर ले लिया है। इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए, जिससे ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। उसके बाद हम इसे ढक्कन को रख के ये देखिए इस तरह से एक ढक्कन का शेप दे देंगे ये अच्छे से दबाते हुए। ये देखिए इस तरह से, उसके बाद अच्छे से दबा देंगे और हम ढक्कन को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह। और फिर हम इसे जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर देंगे और इसे अंदर को हम फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम बना लिए हैं। ये देखिए, तो ये ढक्कन से एक हमारा इस तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप इसमें दिया जला सकते हैं। ये देखिए, जो हमने चूड़ी वाला स्टैंड बनाया था पिछली वीडियो में, तो वही हमने लिया है, उसके ऊपर हम रख लेंगे और उसके बाद दिया जलाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं दिवाली पे। ये देखिए इस तरह से आप भी बना के जला सकते हैं।
अगला टिप्स हमारा है चाय से। तो चाय हम बनाते हैं, वैसे तो रोज़ ही बनाते हैं, पीते हैं, लेकिन कभी कभी मन होता है थोड़ी अलग भी है। तो इसके लिए हम क्या करें, ये देखिए चाय पत्ती और चीनी डाल देंगे और उसके बाद हम एक मिट्टी का दिया लेंगे, ये नया है बिल्कुल, तो ये हम इसमें डाल देंगे। तो चाय हमारी थोड़ी कम है इसलिए ये अंदर नहीं गया है, हम टिप्स बता रहे हैं। आप देखिए जो भी आपको डालना है, अदरक, तुलसी के पत्ते, इलायची, वो भी आप डाल दें और उसके बाद हम इसे अच्छे से खौला लेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद हम दूध डाल देंगे, तो दूध भी अच्छे से खौल जाने देंगे। उसके बाद जो भी मिट्टी के दिए का फ्लेवर होगा तो इसमें आ जाएगा, तो पीने में बहुत ही अच्छी चाय लगती है, जैसे हम बाज़ार में तंदूरी चाय पीते हैं बिल्कुल वैसे ही लगेगी। अच्छे से खौला ज़रूर लें, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद दिया को हम निकाल देंगे और चाय को छान लेंगे। तो इसी तरह से आप चाय को बना सकते हैं और तंदूरी चाय का मज़ा ले सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।